हेलो बच्चों, आज हमारा क्वेश्चन है, रवि बॉट अ बाइसाइकिल फॉर रुपीज 4250 एंड सोल्ड इट टू श्याम फॉर रुपीज 3750। फैन इज गेन और लॉस। भाई रवि ने एक बाइसाइकिल खरीदी। जब भी हम किसी चीज़ को खरीदते हैं उसको हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस। भाई कॉस्ट प्राइस क्या पड़ी? कॉस्ट प्राइस पड़ी इसकी रुपीज 4250 रुपीज़ इसकी कॉस्ट प्राइस है। अब भाई बेचना सेलिंग प्राइस, ठीक है, तो सेलिंग प्राइस क्या हुआ? इसने इसको बेचा श्याम को, कितने में बेचा? सेलिंग प्राइस, इसको हम कहते हैं सेलिंग प्राइस। कितने में बेचा? रुपीज 3750 रुपीज़ में बेच दिया। अब कह रहा फाइंड द गेन और लॉस। अब इसको गेन हुआ या लॉस, हमें इसको परसेंटेज में फाइंड द गेन परसेंट और लॉस परसेंट था यहाँ पे, ओके। अब सबसे पहले देखो भाई, इतने में खरीदी गई, इतने में बेची गई। सबसे पहले अगर हमें लॉस होता है, अगर हमारा कॉस्ट प्राइस ग्रेटर है, अगर हमारा सीपी ग्रेटर है किससे? एसपी, तो हमें क्या होता? इफ सीपी इज ग्रेटर देन एसपी तब तो हमें लॉस होता है, तब हमें क्या होता है? लॉस होता है। अगर हमारा एसपी ग्रेटर है किससे? सीपी से, कॉस्ट प्राइस से, तब हमें प्रॉफिट होता है। ये आपको ध्यान रखना है भाई। अब यहाँ देखो आप, हमारा कॉस्ट प्राइस ग्रेटर है किससे? सेलिंग प्राइस से। भाई हमने इतने में खरीदे और कम में बेच दी, हमें तो लॉस हुआ। तो भाई हमें लॉस हुआ तो लॉस इक्वल टू हमारा क्या होता है? लॉस इक्वल टू हमारा होता है सीपी माइनस एसपी। जब हमें लॉस होता है तो हम सीपी से माइनस करते हैं एसपी, तो उससे हमें पता लग जाएगा लॉस कितने का हुआ। तो कॉस्ट प्राइस है 4250 रुपीज़ है, इससे माइनस कर दो सेलिंग प्राइस को 3000। ये भाई फाइव, अब देखो लॉस कितने का हो ये हमें यहाँ पता लग जाएगा। जीरो में से जीरो गया जीरो, फाइव में से फाइव गया जीरो। अब यहाँ से कह रहे आएगी, यहाँ ट्वेल्व में से सेवन गया फाइव, यहाँ बचा थ्री, यहाँ थ्री। देखो कैसे हुआ ये, 4250 3750, यहाँ जीरो यहाँ जीरो, यहाँ से कह रहे आई यहाँ 12 में 7 गए 5, यहाँ बचा 3, 3 में 3 गए 0, तो लॉस मुझे हुआ 500 का। ये तो हमारा लॉस है। अगर मुझे इसको लॉस परसेंट में निकालना कि कितना परसेंट का लॉस हुआ, तो लॉस परसेंट इक्वल टू हमारा होता है भाई लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस, जितने में मैंने खरीदा कॉस्ट प्राइस, और मल्टीप्लाई हो जाएगा 100, ओके भाई परसेंटेज निकालना। जैसा आप परसेंटेज कैसे निकालते भाई, आपके 50 मार्क्स आए, कितने में से आए? 100 में से आए। अब परसेंटेज निकालना तो इनटू 100, तो 100 से 100 कर जाएगा 50%। ऐसे हम इसमें निकालते हैं भाई, इतने में से इतना लॉस हुआ, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस क्या था भाई हमारा? कॉस्ट प्राइस हमारे लॉस हमें हुआ 500 का। किससे हुआ लॉस भाई? कॉस्ट प्राइस है 4250 मल्टीप्लाई 100। अब जीरो से तो जीरो कट गया, ओके। अब देखो फाइव, फाइव एट जा 40 और फाइव फाइव जा 25 और फाइव टू जा 10, ओके। अब फिर फाइव से जा रहा भाई, फाइव वन जा फाइव, देखो फाइव वन जा फाइव, यहाँ थ्री, फाइव सेवन जा 35, और यहाँ हमारा 100 है, ये हमारा आ जाएगा 200/17। अब इसको डिवाइड कर दो भाई 17 को 200 से, तो 17 वन जा कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। 10 में से 7 गए 3, यहाँ 0, अगेन 17 वन जा 17, 10 में 7 गए 3, ओके, और 2 में से 1 गए 1। आप यहाँ पे पॉइंट लगा सकते हैं या इसको आप इसमें ही निकाल सकते, पॉइंट लगा देंगे तो ये, अगर 17 के टेबल हम 6 तक बोलें, 6 7 जा 42, 6 1 जा 6, और ये 10 102 आ रहा है। अगर मैं इसको 7 तक ले जाऊं, 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7 और 4 के 1 119 आ रहा, तो क्या आ जाएगा भाई? 7 टाइम 119, 10 में से 9 गए कितना बचेगा? 1, 2 में से 1 गए 1, ये हमारा फिर 110 हो जाएगा। तो अगर हम करेंगे तो 6 टाइम, तो हम इसको लिख सकते हैं लॉस इक्वल टू हमारा, लॉस परसेंट इक्वल टू हमारा क्या आया? कितने आए? 11.76% हमारा क्या आया? लॉस आया भाई, ओके।